यूएनएससी ने भारत बोला पिछले 30 दिनों के भीतर 85,000 मीट्रिक टन गेहूं यमन भेजा। दरअसल यमन में जो हालात हैं उसको लेकर भारत समेत संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। वहीं युद्ध के बाद हुए हालातों पर यूएन ने इसे दुनिया का सबसे बुरा मानवीय संकट बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने मंगलवार को कहा है कि भारत ने गेहूं के निर्यात को प्राथमिकता देकर यमन में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यमन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि गेहूं निर्यात पर हमारे राष्ट्रीय नियमों के बावजूद हमने यमन को गेहूं निर्यात करना जारी रखा है। भारत द्वारा मानवीय सहायता को लेकर कहा गया है कि हम भविष्य में भी ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 30 दिनों के भीतर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के तहत लगभग 85,000 मीट्रिक टन के दो गेहूं शिपमेंट यमन के लिए रवाना हुए हैं। हम इस विकास का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि ये महत्वपूर्ण पहल यमन को लाभान्वित करती रहेगी। यूएनएससी में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने कहा है कि यमन एक चौराहे पर है। एक रास्ता संघर्ष से शांतिपूर्ण समाधान की ओर ले जाता है तो दूसरा सक्रिय शत्रुता की ओर, जो केवल यमनी लोगों को पीड़ा बढ़ाएगा। अब यमन को तय करना है कि उसका आगे का भविष्य क्या होगा। कम्बोज ने यमन से सैन्य दृष्टिकोण को त्याग कर और एक व्यापक राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम में सैनिकों को मनाकर शांति की राह अपनाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने आगे जोर दिया कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समावेशी राजनीतिक संवाद शुरू करना चाहिए ताकि यमनी लोगों को इससे फायदा हो। साथ ही ये भी कहा गया है कि हम विद्रोहियों की कार्रवाई से चिंतित हैं और यमन में बंदरगाहों और शिपिंग जहाजों पर उनके हमलों और यमन के भीतर और बाहर यात्रा करने वाले शिपिंग जहाजों के लिए उनके खतरों की निंदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।